मेरे तो मुंह से निकल गई थी भैया। सुनो, तुम्हारी शादी का व्लॉग भी मैं बनाऊंगा। करप्ट हो चुका, इतनी मेहनत करके शूट किया, उसके बाद अगर पूरा डिलीट हो जाए तो बताओ कितना बुरा लगेगा। पर गाइस, तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और ये देखो भाई साहब 6:30 बजे चाय पी रहे। चाय नहीं, कॉफी पी रहा। अच्छा आ रहा है, लेकिन आ रहा है, सही आ रहा है। पक्का होना सही आ रहा है। हाँ, एकदम सही आ रहा है। बोलो अच्छा तो कुछ लग रहा हूँ। अच्छा, अरे एक नंबर लग रहा है। हाँ पक्का, दिखा जरा एक बार मुझे। आई थिंक यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है ना। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये ब्लॉग मैं अकेले नहीं बना रहा हूँ। आ जाओ भाइयों। तो देखो, तो हम तीनों मिलके एक शूट करने वाले हैं, और इसके लिए हम आ गए हैं टाउन में, क्योंकि यहाँ का लुक एकदम विंटेज, एक ब्रिटिश लुक होता है। और हमने भी एकदम, आप देख सकते हो, एकदम फैशनेबल कपड़े, आई होप फैशनेबल लग रहा हूँ। तो ये हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि एक ऐसा हाई फैशन शूट करें, तो फाइनली हम आज, तो ये व्लॉग एंड तक जरूर देखना। और हमारे कैसे अटैच लग रहे हैं ये कमेंट, ये कमेंट में जरूर बता रहा हूँ। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और गाइस, अगर ज्यादा बोर हो रहा है तो मेरी शक्ल देख लो। नहीं 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 नहीं, ये सब यहाँ से शुरू नहीं हुआ, मैं बताता हूँ कहाँ से शुरू हुआ। तो अभी बज रहे 7:15 और हम लोग 6:00 बजे घर से निकलने वाले थे। 6:00 बजे मैं रेडी था, लेकिन मेरे जो दोस्त लोग है वो उससे कोई शायद आया, पता नहीं देखा वैसे मॉर्निंग और कौन ही आ गए। देखो एक जन आया ही नहीं अभी तक, फोन पे तो बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, देखो मैं क्या, हमें एक दूसरे पे भरोसा तो है, लेकिन दोस्त जब बोले 5 मिनट, वो 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं होता, 5 घंटा हो जाता है। सही बात है भाई, इसने ये साबित कर दिया। नहीं 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 नहीं, अभी तो यार कितना टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग भाई, चलो चलो कोई बात नहीं, वॉच है तुम यही देख रहे हैं। हाय हाय हाय, वाह। तो सुबह सुबह के टाइम रेहान भाई को उनका एक फ्रेंड मिल गया जो उनसे डेली मिलता है। हमारे सेठ आ गए हैं और मैं सेठ को गाड़ी की चाबी दे दूंगा। हाँ, मैं सेठ दूंगा। तो फाइनली ऑल सेट, सब लोग मिल गए हैं। अभी खाली हमें फोटोग्राफर को पिक करना है और अभी हम चल लेंगे। देखो ये भाई साहब आ गए हैं, है हमारा मेन कलाकार। आज जुवम की स्पेशलिटी है कि हम टाउन में शूट करने जा रहे हैं। हाँ। इसलिए वो चमेली का फूल लगा के आया। कहाँ लगा है ये भी दिखा दो एक बार। दिल पे चमेली का फूल लगा। ये देखो। तो गाइस, सफर थोड़ा लंबा है और मतलब ऐसे शांति में जाना अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं सोचा कि हम खुद ही गाना गाते हैं इंस्टेड ऑफ गाना सुनना। अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, बाहर निकल, आज जुम्मा है, आज का वादा है, देख मैं आ गया, तू भी जल्दी आ, मुझे और तड़पा, तू तो बोली थी पिछले जुम्मे को, आज जुम्मा है, तो आजा, तो आजा, तो आजा, 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 ये क्या बोल रहा था? जो बिजली का बिल होता है अंबानी जी टाइम पे नहीं देते हैं, तो बहुत थोड़ा गुस्सा हो जाता होगा। अरे यार, कितनी बार अंबानी साहब को समझाएगा, टाइम नहीं समझा सकते। शुभम को नाराज मत किया करो यार, क्या बोल दिया। अब मैं चलो मैं बात करता हूँ, आज शाम को बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी मत निकाल, सबकी लग जाएगी। मेरे तो मुंह से निकल गई थी भैया, तो निकल गई थी भैया। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं हमारे फर्स्ट लोकेशन पे। हमें लग रहा था ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये भूल गए, बट थैंकफुली ये ब्लेजर के अंदर ही रखा हुआ था। तो अभी क्या करना है, इसको ना मेरे शर्ट के भी पीछे लगाना और इसको भी पीछे लगाना। रेहान की शादी में भी मैं ही पहनाऊंगा ऐसे। आए, 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 आए। ये सही बोला, मेरी शादी में भी अपूर्वी ऐसे मेरे शेरवानी का कोट पहना। अब भाई सुनो, तुम्हारी शादी का व्लॉग भी मैं ही बनाऊंगा। क्या बात है। तो अभी मैं कार्तिक के साथ थोड़ा प्रैंक करने वाला हूँ, देखो। अबे यार कार्तिक, क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ मैंने कार्तिक को बोला, जो ब्लैक टी शर्ट पहन के वो शूट करने वाला था वो टी शर्ट लाना मैं भूल गया।
मतलब ये व्हाइट लाया हो? व्हाइट लाया, ब्राउन लाया, ब्लू लाया, ब्लैक लाया। सुनो आप क्या करो, आप शुरू करो तब तक मैं तैयार हो गया। नहीं नहीं रुको, उसको आने तो कहाँ गया था? और ब्लैक वाला भी पहन। चलो टाइम पास कर, मैं एक लूंगा। एक्टिंग अच्छा कर लेता। मैंने बोला भी, अरे कहाँ था, मैंने तो देखा ही नहीं। सुबह सुबह का टाइम है, रेहान भाई के एक फैन मिल गए हैं और आज कैसा पूछ रहे हैं कि भैया आप वही हो ना। यहाँ शूट चालू हो गया है, सारी चीज़ें चल रही हैं, शुभम भाई भी अपना लगे हुए हैं। शुभम शुभम सुन तो क्या बोल रहा था। जो भी आते हैं मुझे लगता है रेहान भाई का पूरा डॉक्यूमेंट्री बना के। और ये देखो कैसे भागते हुए आ रहे हैं। ओ वन टू थ्री, एक नंबर 551। होपफुली जब वीडियो अच्छी आ जाती है तो सबके शक्ल पे स्माइल आ जाती है। टेक नंबर 999। मुझे लग रहा था कि 1000 टेक हो जाएंगे बट एक्चुअली दे प्रूव्ड मी रॉन्ग। इसका कहना है कि 999 टेक इसने रिहर्सल किया। हाँ। और मुझे भी तो टाइम चाहिए ना पहले के लिए, तो हमें पहले बोल देता ना, हमने ऐसे ही। फाइनली इतने जद्दोजहद के बाद हमारा टेक फाइनल हो गया। गाइस अब आ गए हैं हम हमारी सेकंड लोकेशन पर। अभी अभी हमने ना एक प्लान किया है। एक्चुअली रेहान भाई सुबह से मेरा 2 बारी पोपट कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि एक बारी मेरा भी भाई। हाँ एक बारी इसका भी, तो अभी हम लोगों ने सोचा कि एक बार उनके साथ भी पैक हो जाए। शुभम हमारे साथ है, शुभम को मैंने सब बता दिया है। ए शुभम अभी क्या करना है? अभी ये है कि हम कैमरे से कार्ड निकाल लें और रेहान भाई को दिखाएंगे कि डेटा करप्ट हो चुका है, तो रेहान भाई का क्या रिएक्शन रहता है वहीं पे चल के देखते हैं। आ जाओ रेहान भाई। घर हम लोग बार बार देख रहे, पता नहीं क्यों सो ही नहीं हो रहा है एक भी डेटा, पता नहीं क्यों बार बार मैं मेमोरी कार्ड में देख रहा हूँ। वहाँ पर अभी बाहर हम लोग थे, एक भी डेटा ही नहीं दिखा रहा, करप्ट दिखा रहा, पता नहीं क्यों। बात एक बार आप देख चेक करो ना, मेरे को पता नहीं, मैं डर गया हूँ, मुझे लग रहा है। मैंने मैं और कार्तिक शूट कर रहे थे ना उस दिन ये क्या बोलते हैं ऐसे लास्ट दिन तेरे साथ भी तो शूट कर रहा था, लैपटॉप में लगाने से साथ शो हो जाए, लैपटॉप में दिखा रहा था। चलते हैं, काम करते हैं ना, चलते हैं वहाँ पर, राशिद के पास। राशिद के पास है उसके पास। हाल इसमें इसमें तो अभी एक भी फोटो वीडियो नहीं दिखा रहा, उस दिन तो कम से कम कुछ पता नहीं क्या दिखा रहा था ना। आप रेहान भाई चलोगे? हाँ चलो सुनो मैं चलता हूँ तेरे साथ, आप यही बैठो 2 मिनट, आपने चेंज वेंज भी कर लेना जो वो सब कर। दानिश पता चलता है, साथ चलना ऊपर तक देख लियो। गाइस मैंने और शुभम ने और कार्तिक भाई ने हम लोगों ने जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं, अभी तक तो पता नहीं चला रेहान भाई को कि ऐसा कुछ है, बट गाइस कार्ड अभी भी मेरे हाथ में ही है। गाइस मैं आ चुका हूँ राशिद भाई के शॉप पे। राशिद भाई मैं ना आज कार्ड प्रैंक का रेहान भाई के साथ एक कार्ड जैसा ना कार्ड करप्ट हो गया ऐसा प्रैंक किया हूँ। अरे सही में? हाँ सच में। उनको लग रहा है कि राशिद भाई की तरह मैं कार्ड लेके आया हूँ सही करने के लिए। शूट किया हुआ पूरा मेहनत पानी में गया। हाँ अभी मतलब ऐसा हुआ नहीं है गाइस, तो क्या हुआ मैंने हम लोगों ने सिर्फ प्रैंक किया है, कार्ड निकाल लिया है, अभी हम दिखाने के लिए राशिद भाई के शॉप पे आए कि कार्ड सही हो जाएगा। ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा कर रहे हैं रेहान भाई के साथ। हाँ जारी देखो अभी पता क्या, अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ और हम ये बोलेंगे कि ना मेमोरी कार्ड रिकवर हो सकता और मेमोरी कार्ड फॉर्मेट ही करना पड़ेगा और हमने फॉर्मेट कर दिया। आप लोग सोच रहे होगा कि ये सारे प्रैंक शूट कौन कर रहा है, तो मैं दिखाता हूँ, यहीं से दिखाऊंगा, ज्यादा आगे वो है वो हमारे दानिश भाई हैं, वो देखो ऐसा फ़ोन लगाए हुए हैं और वो फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली शूट कर रहे हैं, तो हम लोग का प्रैंक जो भी हो रहा है तो आइए हम दिखाते हैं, शूट भी हो रहा है, हम रियल चीज़ें भी दिखा रहे हैं आपको पता है। आ जाओ भाई थोड़ा कैमरा छुपा के आप भी बोल रहे हैं। आज
जैसा आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने वीडियो में डाल दिया होगा कि हम लोग ना अपना डाटा लॉस कर चुके हैं और हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं लेने की, है ना भाई। अभी ये बहुत ही मायूस है, बट कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, क्या बोलते हो आप, है भाई अपूर्व भाई, क्या बोलते हो, फिर से करेंगे ना सब। रेहान भाई क्यों मुंह उतारे हो यार, कर लेंगे सुबह से, इतना तो कर ही रहते ना, कर लेंगे। अरे क्या व्लॉग लेने का भी क्या ही मतलब है, क्योंकि सारे आधे आधा व्लॉग तो कोई नहीं। अरे क्या शॉट है भाई, अरे पूरा मूड ही हो जाएगा यार, क्या क्या अभी फिर से करेंगे, क्या हो गया, क्या हो गया, मन नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, कुछ नहीं है, एक चीज बोलूं, मतलब कुछ नहीं लिखने वाला है, कुछ नहीं लिखने वाला भाई, अभी और कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, पूरा ब्लॉग है हमारे पास। भाई जगह देखो, ब्लू नहीं कर दी थी, नहीं बताना चाह रहा भाई, उनकी शक्ल ऐसी हो गई थी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं, हमने कार्ड निकाला, मैं कार्ड निकाला हुआ, इनको ये पता है कार्ड लग रहा है, मैं कार्ड का पोर्ट चेक ही नहीं किया। हाँ ठीक है, अभी चल रहा है। अच्छा गाइस आप ही लोग बताओ, सुबह से कल से एक्चुअली कल का पूरा दिन हम लोगों ने सिर्फ आउटफिट को अरेंज करने में, पूरी शाम लग गई वो कपड़े ऑल्टर कराने में, ये कराने में, रात को 12:30 बजे सो के सुबह 4:30 सिर्फ 4 घंटा सोया, 4:30 बजे उठ के 6 बजे तैयार होके इतनी मेहनत करके शूट किया, उसके बाद अगर पूरा डिलीट हो जाए तो बताओ कितना बुरा लगेगा। पर गाइस अब आप लोग कमेंट में बताओ कि इनके साथ ये प्रैंक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तक के लिए बाय बाय। सिम कार्ड फॉर्मेट हुआ कैसा लगा? बहुत बुरा किया हो, बताऊंगा मैं, रुको रुको। तो अभी हम आ गए हैं थर्ड लोकेशन पे, जहाँ ये है सीसीबी, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बाहर का माहौल है, मतलब काफ़ी अच्छा आउटडोर सिटिंग अरेंजमेंट है, तो यही हमें चाहिए था, तो हम आ तो गए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शूटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, तो मैंने बात भी की इनसे, तो लेट्स सी क्या होता है। ये वाला ना अच्छा लगता तुमको, अभी जाके तू रुकना इधर या ये मेरा रख सो। पता इस बच्ची को देख के सचमुच मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोटो भी डालूंगा। मेरी 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 पूरी फैमिली में ना सिर्फ एक ही बेटी है, मतलब मेरी सिस्टर जो है, और इसका फेस और मेरी सिस्टर का फेस ना इतना ज़्यादा मिलता जुलता है, मैं यहाँ पे फ़ोटो भी डालूंगा एडिट के टाइम पे, आप देखना। तो उसको देख के ना मुझे अपने सिस्टर की याद आ गई, और जिसको मैं मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, कनेक्शन होता है यू नो। तो अब हम फाइनली आ गए हैं हमारे फोर्थ लोकेशन पे, और यहाँ पे हम कुछ की फाइनली हमारा फोटो शूट और वीडियो शूट खत्म हो गया है, अभी बज रहा है 6:30 ऑलमोस्ट,
और अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने। सुबह से कुछ भी नहीं खाया गाइस, कुछ भी ऐसे गन्ने का जूस पिया और कुछ भी नहीं खाया, इतनी भूख लग रही है ना। तो हम लोग जाएंगे सब लोग मिलकर खाना खाने। गाइस फाइनली 10 मिनट के बाद इन्होंने चटनी ला के दी। देखो हम सबका प्लेट जो है ना एकदम सफेद है, खाली अपूर्व भाई का प्लेट एकदम कलर है। फाइनली खाना आ चुका है गाइस। ये पोर्क वाइन है। चलो भाई आज तो मुझे लग रहा है शुभम की मोटी कम आई हुई है। बिल शुभम ही पे करेगा। सब लोग अपना अपना कार्ड देते हैं, वो जो कार्ड चूज करेंगे वही वो पे करेगा। ठीक है, हमारे हाथ में जो आप चूज करोगे। ठीक है, हम लोग मुझे कार्ड दो। आपको जो चाहिए एक मिनट, ऐसा ऐसा नहीं होता है। मेरा वाला चार है ना, ऐसा रविंदर भाई होते तरफ से देखो, जो रविंदर भाई होते तो मेरी बेटी। ओ यार तो फाइनली गाइस आज का हमारा जितना भी काम धाम था वो सब कुछ खत्म हो गया। अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया और हाँ थोड़ा बहुत बचा भी लिया और घर लेके जाएंगे। मैंने बचाया। तो गाइस ये ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताना, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा ये भी बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ब्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, बहुत सारे कमेंट करना।